नमस्ते, मैं रोहिणिका को प्रतिसाद इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। वो कहानी एक भारत के महामानव की है। आपको पता है 14 अप्रैल उनका बर्थडे है। वो कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो भारत रत्न थे, भारत के रत्न थे वो। तो क्या हुआ, वो जब कॉलेज में गए तो दूसरे देश में गए। मीन्स उन्होंने खुद की शिक्षा अमेरिका में भी की, लंदन में की, उनको स्कॉलरशिप दी गई। इतने होशियार थे वो। तो क्या हुआ, वो सीखते थे कॉलेज में, लेकिन उनको पढ़ना पड़ता था लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, और उनको स्कॉलरशिप कितनी मिलती थी पता है? सिर्फ 25 रुपये, 25 रुपीज़, इतने ही हर माह उनको मिलती थी स्कॉलरशिप। तो वो क्या करते थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और खाने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़ते थे। बीच में छुट्टी आती थी तो वो बैठ के ब्रेड खाते थे, पाव खाते थे, ऐसे ही वो दिन चला देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लाइब्रेरियन जो था, मीन्स जो चीफ रहता है लाइब्रेरी का, वो क्या क्या उसको उनको गुस्सा किया कि अरे आप क्यों लाइब्रेरी में खा रहे हो, यहाँ खाना मना है। बहुत डांटा उन्होंने। तो उन्होंने माफ़ी मांग दी कि मैं आगे जाके नहीं खाऊंगा। लेकिन क्या है, वो उनके साथ बातें की कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे शिक्षा क्यों लेनी है, मुझे पैसे कैसे कम हैं, मुझे खाने को पैसे क्यों नहीं है, सब उनके पास साथ कि उन्होंने दोनों का डिस्कशन हो गया और दोनों एक दूसरे से बात की। फिर क्या हुआ, वो जो लाइब्रेरियन था वो बोले कि कल से आप ब्रेड बटर लाइब्रेरी में नहीं खाओगे, मैं आपका डब्बा लाऊंगा, मैं टिफ़िन लाऊंगा आपका, और फिर हम दोनों मिलके टिफ़िन खाएंगे और बाद में तुम पढ़ लेना बुक्स। मीन्स कितना अच्छा, देखो कि लाइब्रेरी ने उनकी खुद की मदद की। इतने बड़े बाबा साहेब, उनको लाइब्रेरी ने मदद की तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर उनको और अच्छा लगा कि मैं और पढ़ूँ। ऐसे सब उनको अच्छे लोग मिलते रहे। ऐसे थे बाबा साहेब अम्बेडकर और ऐसे थे वो लाइब्रेरियन जिन्होंने उनको मदद की। वो धन्य थे बाबा साहेब अम्बेडकर। और आज हम उनके बर्थडे में उनको जय भीम बोलेंगे, क्योंकि वो भीमराव थे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और आपके मित्र परिचित सबको फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।